सूचना प्रसंस्करण मॉडल जिसके तीन अंग थे, सबसे पहला था संवेदना सूचना, दूसरा था ज्ञानात्मक प्रक्रियाएं और तीसरा था मेटा संज्ञान। तो सूचना संग्रहालय पर हम बात कर चुके हैं, सूचना संग्रह पर हम बात कर चुके हैं, अब हम बात करेंगे ज्ञानात्मक प्रक्रियाओं पर। क्या होती है ज्ञानात्मक प्रक्रियाएं? तो हम कहते हैं संज्ञानात्मक जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो ज्ञानात्मक क्रियाएं ही होती हैं। क्या करती हैं ये? तो हम कह रहे हैं जो कॉग्निटिव नॉलेज होती है वो सारे ज्ञान को एक साथ इकट्ठा करती रहती हैं, जमाती रहती हैं। फिर क्या करती हैं? ये एक संग्रहालय से दूसरे संग्रहालय में सूचनाओं का आदान प्रदान करती हैं, या सरल शब्दों में बोलें तो ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक संग्रहालय से दूसरे संग्रहालय में सूचनाओं को ले जाती है। ये ज्ञानात्मक क्रियाएं होती हैं। और ये जो ज्ञानात्मक प्रक्रियाएं हैं ये संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के समान ही होती हैं, उन जैसी ही होती हैं। अब ये जो प्रक्रिया बताई मैंने आपको, उसमें आप देखेंगे प्रत्यक्षीकरण है, अवधान है और चेतना है, चिंतन है, ये सब बातें इसके अंतर्गत आती हैं। मतलब ये जो आदान प्रदान करती है ना एक संग्रहालय से दूसरे संग्रहालय में, तो यहाँ आप देखेंगे व्हाइट बोर्ड पर हमने लिखा हुआ है अवधान, प्रत्यक्षीकरण, पूर्व अभ्यास और कूटबंधकरण, और साथ में हमने लिखा हुआ है यहाँ पर क्रमबद्धकरण। तो आप देखेंगे ये सारा का सारा जो रोल है वो इस तरीके से इन प्रक्रियाओं में जाकर ही पूरा होता है। चलिए अभी हम बिल्कुल सैद्धांतिक बात कर रहे हैं, फिर हम डिटेल से बात करेंगे। हम करते हैं बात मेटा संज्ञान की कि मेटा संज्ञान क्या होता है। तो हम कहते हैं कि मेटा संज्ञान को यदि सरल भाषा में समझें तो इसका मतलब ये होता है जो भी ज्ञानात्मक क्रियाएँ होती हैं, मानसिक प्रक्रियाएँ होती हैं, उन सब पर ये नियंत्रण रखती है, उनको निर्देशित करती है, उनका संचालन करती है, उनको उचित अनुचित में बांटती है। फिर आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है और मेटा संज्ञान में वर्तमानकालीन और तत्कालीन जो भी विचार होते हैं उनको सम्मिलित किया जाता है। और क्या करता है मेटा संज्ञान? वो कहते हैं कि मॉनिटर करना। मेटा संज्ञान का क्या काम है? जितनी भी संज्ञानात्मक प्रक्रियाएँ हैं या जितने भी ज्ञानात्मक प्रक्रियाएं हैं उनको मॉनिटर करना, मॉनिटर करना मतलब देखना, फिर उस पर नियंत्रण करना, और साथ साथ में एक बात और आप देखेंगे बड़ा अच्छा शब्द है उसमें हेर फेर करना, भी आप इसका अर्थ लगा सकते हैं। फिर आप देखेंगे क्या करती है ये मेटा संज्ञान जो है वो हमारे अंदर उत्पन्न कैसे होता है। तो हम कहते हैं जब भी हम किसी कार्य के बारे में, उसकी कार्यप्रणाली के बारे में चिंतन करने लगते हैं, उस कार्यप्रणाली के उद्देश्यों के बारे में जब हम चिंतन करने लगते हैं, तो जैसे ही किसी समस्या के बारे में हम चिंतन करते हैं मेटा संज्ञान उत्पन्न हो जाता है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम डिटेल से इस पर बात करते हैं। देखिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पर संज्ञानात्मक क्रियाओं की। संज्ञानात्मक क्रियाएं ज्ञानात्मक क्रियाओं का ही एक अंग होती है। हम बात कर रहे हैं संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं। तो संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? ज्ञानात्मक क्रिया कहते हैं। क्या करती हैं ये? बहुत सारी सूचना जो हमें मिलती हैं उनको बदल देती हैं, उनको परिवर्तित कर देती हैं, एक संग्रहालय से दूसरे संग्रहालय में ले जाती हैं। अब कैसे ये काम करती हैं हम सीधे, क्योंकि हम इस पर बात कर चुके हैं जो व्हाइट बोर्ड पर लिखा है, हम सीधे एग्जाम्पल पर आते हैं कि जब भी कोई भी छात्र इन ज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का प्रयोग करना प्रारंभ कर दे तो छात्रों को पहले उन दशाओं को पहचान लेना चाहिए जो समस्यात्मक स्थिति को प्रस्तुत करते हैं, उसके बाद इन क्रियाओं का उचित प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन दशाओं को अपनाकर फिर उन दशाओं के अनुरूप कार्य किया जाएगा तभी ज्ञानात्मक क्रियाएँ कार्य कर पाएंगी। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम मैथ्स का कि हमने लिया ए प्लस बी का स्क्वायर 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर। तो हम इसको हम भिन्न भिन्न दशाओं में रख सकते हैं, भिन्न भिन्न इसकी इक्वेशन बना सकते हैं। तो आप देखेंगे इस प्रकार अगर हम ऐसा करते हैं तो ये ज्ञानात्मक क्रियाएं तेजी से कार्य करती हैं और हम समस्याओं का हल तेजी से निकाल लेते हैं। चलिए बात करते हैं मेटा संज्ञान पर,
कि मेटा संज्ञान क्या होता है। जैसा कि पूर्व में मैंने बताया, ये ज्ञानात्मक क्रियाओं के ऊपर नियंत्रण रखती हैं, और साथ में देखेंगे नियंत्रण तो करती करती हैं, इनको निर्देशित भी करती हैं। ये सूचना को एक भंडार से दूसरे भंडार में या एक संग्रहालय से दूसरे संग्रहालय में ले जाती हैं, एक भंडार से दूसरे भंडार में ले जाती हैं। उनमें भेद भी किया जाता है। संज्ञान का मतलब होता है मेटा संज्ञान कुशलताएं, मतलब स्किल्स, और व्यक्ति के वर्तमान विचारों को ये तुरंत तुरंत पहचान लेती हैं और इसी के संदर्भ में ये कार्य करती हैं। फिर हम इन शॉर्ट हम यहाँ पर बात करते हैं कि कैसे ये मेटा संज्ञान को उत्पन्न कर सकते हैं। तो कहते हैं कि मेटा संज्ञान क्रियाएं उस समय होती है जब कोई भी छात्र, कोई भी व्यक्ति इसे चिंतन के रूप में अपना लेते हैं, चिंतन की जितनी भी युक्तियाँ होती हैं उनका प्रबंध करते हैं, और जैसे ही वो प्रबंध करते हैं तो समस्या का हल करने के लिए उद्देश्यपूर्ण चित्रण करना जरूरी हो जाता है और मेटा संज्ञान क्रियाएं उत्पन्न हो जाती हैं। चलिए यहाँ हम एक छोटे से शब्द पे बात करते हैं। अवधान के बारे में हमने बात कर लिया है, ध्यान लगाना, प्रत्यक्षीकरण के बारे में भी हमने बात कर लिया है। अब हम बात करते हैं एक बहुत छोटे से शब्द की, पूर्व अभ्यास की, कि पूर्व अभ्यास क्या होता है। देखिए, पूर्व अभ्यास को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला होता है संधारण, जिसे बोलते हैं मेंटेनेंस, दूसरा होता है विस्तारक। अब देखेंगे संधारण क्या होता है। संधारण पूर्व अभ्यास होता है कि कोई भी जो सूचना हमें प्राप्त हो गई है उसको जब हम बार 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 दोहराने की जो प्रक्रिया होती है, या मन ही मन में हम उसे दोहराते हैं, जब सूचना का पूर्व अभ्यास किया जाए और बिना बदले उसको लगातार लगातार दोहराया जाए, और यदि सूचना को इस तरह से हम बार 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 अभ्यास करके दीर्घकालीन स्मृति में ट्रांसफ़र करने में, वहाँ पर डालने में यदि हम सफल हो जाते हैं, तो हम ये बोलते हैं कि ये कौन सा वाला अभ्यास है पूर्व अभ्यास, ये संधारण पूर्व अभ्यास है। स्पेशली इस शब्द को इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि ये पीजी लेवल का है। आपको ध्यान रखना है कि पूर्व अभ्यास के दो टुकड़े होते हैं, संधारण पूर्व अभ्यास और विस्तारक। अब देखेंगे, हम बात करेंगे विस्तारक पूर्व अभ्यास क्या होता है। कहते हैं कि ये वो प्रक्रिया है जो उस सूचना से है जिसे व्यक्ति याद रखना चाहता है, और यह उस सूचना से संबंधित है जो उसके पास दीर्घकालीन स्मृति में संग्रह की हुई है। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं हम इसको, विस्तारक पूर्व अभ्यास को, जैसे 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन है। तो यह आंदोलन हम याद रख सकते हैं क्योंकि हमें याद है कि यह आंदोलन जो है वो गांधी जी के नेतृत्व में किया गया था, और सब ये जानते हैं कि 1914 के बाद आज़ादी का कोई आंदोलन है तो वो गांधी जी के नेतृत्व में चला था, तो यही वाला वो आंदोलन है। एक विचार है बर्निंग शेरो रनिंग का कि सूचना पूर्व अभ्यास और संधारण, जो भी सूचनाएं आती हैं, जो सूचना पूर्व अभ्यास दीर्घकालीन स्मृति में भेजते हैं, वो वास्तविक रूप में मतलब मुख्य होती हैं। फिर धीरे 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 हम क्या करते हैं, उसके टुकड़े कर लेते हैं। और जैसे भारत छोड़ो आंदोलन है तो एक जटिल प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, कूटबद्ध कर दिया हमने, 1942 से इसको जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया, कूटबद्धकरण प्रक्रिया हो गया। और ये उस समय होती है जब कोई भी घटना या व्यक्ति कोई भी ऐसी सूचना प्राप्त करता है जिसका मानसिक प्रतिरूप बन जाता है, हम उसे स्मृति में संग्रहित कर लेते हैं और उसके लिए कूट लगा लेते हैं, कोडिंग कर लेते हैं, तो हम इसको बोलते हैं यहाँ पर कि हमने उस सूचना को क्या कर लिया है, कूटबद्ध कर लिया है। जैसे मैंने आपको पहले भी एक एग्जांपल में बताया था कि हम बोलते हैं दिवाली वाली ड्रेस, या नए साल वाला कपड़ा, या उस शादी में वो अंकल मिले थे, तो ये हम क्या करते हैं, हम किसी ना किसी के साथ उसको क्या करते हैं, कोरिलेट कर लेते हैं, कूटबद्ध कर लेते हैं, कोई ना कोई अक्षर उसके लिए, शब्द, कोड, चिन्ह, पहचान आदि डाल लेते हैं। चलिए, अब हम बात कर रहे थे ज्ञानात्मक क्रियाओं की, मेटा संज्ञान की, ये हमने बात की सूचना प्रसंस्करण सिद्धांत पर। अब इसके बाद आप है ना एक स्क्रीनशॉट ले लें जिसमें हमने संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के बारे में विस्तार से बताया है, जिससे आपको ये चीज़, ये जो मॉडल है सूचना प्रसंस्करण, जिसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग बोला गया है, वो आपको आसानी से समझ में आ जाए।